फ्लैट जो आपको मिलेगा बहुत अच्छे लुक के साथ, शानदार लुक आपको मिलेगा, बेहतरीन काम आपको मिलने वाला है और सबसे अच्छी बात कि आपको यहाँ पर 80-90% लोन के साथ मिलने वाला है। फ्लैट ऐसा रहेगा जो आपको एक बार देखते ही पसंद आ जाएगा, एक बार देखोगे तो बस खो जाओगे इस फ्लैट को देखकर, क्योंकि फ्लैट इतना शानदार आपको मिलने वाला है। सेमी फर्निश्ड फ्लैट आपके लिए आज लेकर आया है होम्स फॉर सेल, और होम्स फॉर सेल लेकर आया है तो बहुत अच्छा ही होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, लेफ्ट कार पार्किंग आपको इस फ्लैट के साथ मिलने वाली है, ऑब्वियस बात है तो मिलेगी ही, लेकिन साथ ही साथ आपको जो आसपास की लोकेशन रहने वाली है आपकी वो काफ़ी बेहतरीन मिलेगी, आपको मार्केट, स्कूल, बैंक वगैरह सब कुछ आपको पास में मिलने वाले हैं। द्वारका मोड़ आपका मेट्रो स्टेशन नियरेस्ट रहने वाला है, 1 किलोमीटर दूरी पर ई रिक्शा अवेलेबल्स होते हैं, साथ ही साथ आपको रामा पार्क जैसी रोड पर आपको मिलने वाला है, रामा पार्क प्राइम लोकेशन आपकी रहने वाली है। तो ये साइड का आपकी लोकेशन रहने वाली है। अब दिखाती हूँ मैं आपको कि फ्लैट की फ्लैट आपका कैसे रहने वाला है। तो आपको बताती हूँ, सबसे पहले एंट्रेंस गेट आपने देख ही लिया होगा, ये आपको एंट्रेंस गेट मिलेगा, यहाँ से आपके फ्लैट के अंदर एंट्री रहने वाली है। इसी के साथ आपको टेलीकॉम की फैसिलिटी दी जा रही है। यहाँ पर सबसे पहले आपको मिलता है लिविंग एरिया, तो आप लिविंग एरिया का स्पेस यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं कि इतना स्पेस आपको मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर लेकर एल टाइप में आप अपने सोफा सेट लगा सकते हैं, सिटिंग एरिया आप इसे बना सकते हैं, फ्रंट में सेंटर में यहाँ पर आपकी कॉफ़ी टेबल आ जाएगी, तो ये आपका पूरा सिटिंग एरिया यहाँ पर कवर हो जाएगा। इस साइड अगर आप देखते हैं, यहाँ आपको दिया जा रहा है मंदिर का स्पेस, तो आप देख सकते हैं आपको एक मंदिर का स्पेस मिल रहा है, नीचे आपको ड्रॉअर मिल रही है। आपको लिविंग एरिया के अंदर भी मंदिर का स्पेस दिया जा रहा है, लिविंग एरिया काफी अच्छा रहेगा। फ्रंट पे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको टीवी पैनल दिया जा रहा है। आप जरा एक बार इस वॉल का पूरा लुक देखना, जरा टीवी पैनल के पीछे जो लूमर वर्क किया गया है वो कितना शानदार है और कितनी फिनिशिंग के साथ काम किया गया है। ऊपर आपको फोकस लाइट भी यहाँ पर लगा के दी जा रही है, तो फ्लैट के अंदर स्पेस की, लाइटिंग की आपको कोई कमी महसूस नहीं होने वाली। तो आप आके जरूर देखना, विजिट जरूर करना इस फ्लैट को, बहुत शानदार फ्लैट है। तो आपको ये स्पेस मिल जाएगा। अगर मैं अब लिविंग एरिया की वॉल की बात करूँ तो आप डिज़ाइन देख सकते हैं, यहाँ पर मोल्डिंग के डिज़ाइन के साथ, वॉलपेपर के साथ तैयार किया गया है बहुत बेहतरीन लुक के साथ। आपको दोनों साइड यहाँ पे लैंप मिल रहे हैं, डिज़ाइन आपको मिल रहा है, ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं यहाँ पर, आप इसमें फ्रेम भी लगा सकते हैं तो जो बहुत प्यारा लगेगा यहाँ पर। और अगर इस वॉल पर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको ऑलरेडी वॉल एक्सेसरीज के साथ लगा के दिखाया जा रहा है कि मोल्डिंग के डिज़ाइन के साथ आपको वॉल कितनी क्लासिक यहाँ पर तैयार करके दिखाए। एक्स्ट्रा तामझाम आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है, नीड ही नहीं है होगी आपको। तो लिविंग एरिया था ये आपका पूरा स्पेशियस। अब ज़रा एक बार आप ऊपर की फोर सीलिंग पर नज़र घुमाइए। कैसी लगी आपको फोर सीलिंग, है ना शानदार? अभी झूमर देख सकते हैं कितना शानदार यहाँ पर, बिल्कुल रॉयल लुक में आपको ये मिलने वाला है। कॉब लाइट आप देख सकते हैं, फोकस लाइट आपको मिल रही है, दो फैन आपको लिविंग एरिया मिल रहा है, और डिज़ाइन तो बहुत शानदार है ही इसका। तो ये लिविंग एरिया आपका बहुत परफेक्ट तैयार कर दिया गया है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो चलिए मैं सबसे पहले आपको फर्स्ट बेडरूम दिखाने वाली हूँ, तो आ जाइए। तो फैमिलीज ये रहने वाला है आपका फर्स्ट बेडरूम का स्पेस, और बेडरूम में देख सकते हैं यहाँ पर बेडरूम स्पेस कितना अच्छा आपको मिल जाएगा। बेड का स्पेस आपको यहाँ मिलेगा, बेड के दोनों ही साइड यहाँ पर आपको वार्डरोब दी जा रही है, तो यानी कि यहाँ आप बेड लगा सकती हैं, देन यहाँ आपको दोनों ही साइड वार्डरोब मिलने वाली है। इसमें आपको वॉशरूम अटैच मिलेगा, तो आप एक बार वॉशरूम की झलक भी यहाँ पर देख सकते हैं।
वॉशरूम यहाँ पर आपको अटैच इसके अंदर मिलने वाला है। इधर यहाँ से आपकी बालकनी अटैच रहने वाली है। अगेन आपको यूपीवीसी के डोर आपको मिलने वाले हैं। बालकनी यहाँ पे आपके स्पेशियस रहने वाली है। अब जरा आप टीवी पैनल देखें, यहाँ पे टीवी पैनल आपको इस रूम में यहाँ पर लगा के दिया जा रहा है। लूमर वर्क के साथ आपको मिल जाएगा। प्रोफाइल लाइट का काम है, गिलास का काम यहाँ पर किया गया है। सो फैमिलीज, ये था आपका फर्स्ट बेडरूम। तो इस बेडरूम से जाने से पहले आप जरा इसकी फोर सीलिंग देख लीजिए, काफ़ी अच्छी है। अगेन मैं इसे कहा था पहले भी, फॉग लाइट के साथ यहाँ पर आपको मिल रही है। फोकस लाइट, प्रोफाइल लाइट के साथ काम किया गया है। और आप पूरा डिज़ाइन देख सकते हैं कि टीवी पैनल से यहाँ पर किस तरह से प्रोफाइल लाइट को अटैच किया गया है पूरा। सो आई होप कि आपको ये फर्स्ट बेडरूम पसंद आया होगा। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट बेडरूम की तरफ। तो नेक्स्ट बेडरूम में जाने से पहले मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे किचन का स्पेस। और देखिए, आपने लिविंग एरिया का स्पेस तो दिखाया था मैंने आपको, तो आप प्रॉपर यहाँ पर स्पेस देख सकते हैं। और ये वॉल भी देख सकते हैं यहाँ पर, कि वॉल को भी सो खाली नहीं छोड़ा गया है। मोल्डिंग का डिज़ाइन यहाँ पर तैयार किया गया है। तो आप देख सकते हैं ये स्पेस आपको काफ़ी अच्छा इसके अंदर मिलने वाला है। और इसके ऊपर की तरह फोर सीलिंग आप देखिए कि प्रोफाइल लाइट से किस तरीके से इसका बेहतरीन सा शानदार सा डिज़ाइन भी तैयार किया है। तो फ्लैट में हर एक चीज़ को बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार किया गया है, कुछ भी कमी नहीं छोड़ी है। तो अब आ जाइए यहाँ पर किचन के अंदर। सो ये आ गए यहाँ पर किचन के अंदर। तो किचन में आप आने से पहले आप बाहर की इसकी वॉल देख सकते हैं। यहाँ पर जो वॉल तैयार की गई है वाइट थीम के साथ, आपको प्रॉपर फ्लैट मिलने वाला है। वॉल उसमें प्रोफाइल लाइट का काम भी किया गया है। अब आप किचन के अगर अंदर एंट्रेंस करते हैं तो आप एंट्रेंस देख सकते हैं। अगेन आपको स्पेशियस किचन यहाँ पर मिलने वाला है, जैसे हर किसी की डिमांड होती है, हर कोई चाहता है उसकी बिल्कुल आपकी पसंद का ही किचन यहाँ पे तैयार करा है। जब आप आएंगे तो आपको पसंद ज़रूर आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एंट्रेंस सिंक आपको मिलेगी, वाटर फिटिंग्स आपको सारी यहाँ पर मिलने वाली हैं। स्लैब आपकी अगेन स्पेशियस काफ़ी रहने वाली है। बी मिड तक आपको यहाँ पर टाइलिंग का काम मिलने वाला है। किचन के अंदर प्रॉपर वाइट टाइलिंग का काम है। वेंटिलेशन जो सबसे ज़्यादा मैंडेटरी होता है, इम्पॉर्टेंट होता है, तो आपको यहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन भी मिलेगा। चिमनी का स्पेस भी आपको निकाल के दिया जा रहा है यहाँ पर। और आप कैबिनेट देख सकते हैं यहाँ पर, कैबिनेट वगैरह स्पेशल होगी, ब्लैक ग्लास के साथ है। ऊपर आप देख सकते हैं जो डिज़ाइन तैयार किया गया है यहाँ पर, मक्खी लाइट का यूज़ किया गया है, कलर बहुत प्यारा यूज़ किया गया है। तो किचन का कलर थीम भी बहुत प्यारा, बहुत यूनिक आपको मिलने वाला है। नीचे कैबिनेट्स आप यहाँ पर हमेशा इधर देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी आपको मिल जाएंगी। स्पेस आप नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पर स्पेस भी आपको मिल रहा है किचन के अंदर। सो आई होप आपको किचन ज़रूर पसंद आया होगा। अब आप ज़रा एक बार किचन के ऊपर की फोर सीलिंग देखिए। किचन तो आपने देख ही लिया है। किचन से ही यहाँ पर मैं आपको लेके चलूंगी आपके सेकंड बेडरूम में। तो आ जाइए। सो ये रहने वाला है आपका सेकंड बेडरूम। सेकंड बेडरूम में आपको ये यहाँ पर बेड का स्पेस मिलने वाला है। यहाँ पर आप दोनों साइड देख सकते हैं, आपको यहाँ पे लैंप मिलने वाले हैं। स्पेस काफ़ी अच्छा रहेगा। मोल्डिंग का डिज़ाइन यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको मिलने वाला है। मेरे राइट हैंड साइड पर आपको वार्डरोब मिलेगी इस बेडरूम में, स्लाइडिंग वाली वार्डरोब आपको मिलेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका लुक काफ़ी अच्छा मिल जाएगा आपको। यहाँ पर बेड के स्पेस के साथ आपको, जैसे कि मैंने कहा था कि फ्लैट आपका प्रॉपर वेंटिलेटेड ही रहने वाला है, तो वेंटिलेशन आपको मिलेगा। यहाँ पर विंडो आपको मिलने वाली है, विंडो एसी का प्रोविज़न आपको मिल जाएगा। फ्रंट में अगर आप देखते हैं तो इस रूम में आपको यहाँ पर कोई अलग से वुड का काम नहीं है, बल्कि मोल्डिंग के डिज़ाइन के साथ ही आपको टीवी पैनल का डिज़ाइन तैयार करके दिया जा रहा है। सो फैमिलीज, ये था आपका सेकेंड बेडरूम। आपने यहाँ पर फर्स्ट बेडरूम में बालकनी देखी थी, आपको सेकंड बेडरूम से भी बालकनी का एक्सेस यहाँ पर मिलने वाला है। तो आप एक बार इसकी झलक देखकर आ सकते हैं। बालकनी आपने देख ही ली है। बालकनी आपको फर्स्ट बेडरूम और सेकंड बेडरूम दोनों से अटैच मिलने वाली है। किचन से आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिलने वाला है। तो अब आप जरा इस रूम की फोर सीलिंग का डिज़ाइन देखिए, जो कितना शानदार है। आप इसके सेंटर में जो डिज़ाइन देख रहे हैं, ये काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर आपको मिलने वाला है। आप प्रोफाइल लाइट का लेआउट देख सकते हैं, कॉब लाइट आपको जो मिल रही है।
और सबसे अच्छी बात इन व्हाइट हाउस में क्या होती है, व्हाइट हाउस होते हैं क्योंकि व्हाइट कलर बहुत प्यारा होता है, तो इसलिए इनके अंदर लाइटिंग इतनी प्यारी आती है, फ्लैट इतने शानदार होते हैं कि बस देखते ही पसंद आ जाएंगे। तो सेकंड बेडरूम जब हम निकलेंगे तो मैं आपको बता दी कॉमन वॉशरूम मैं आपको दिखाना भूल गई थी, तो यहाँ आपको कॉमन वॉशरूम मिलने वाला है, तो आप एक बार इसकी स्पेस देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये आपका कॉमन वॉशरूम था, के बाद हम चलते हैं अपने थर्ड बेडरूम में, तो आ जाइए। सो फैमिली थर्ड बेडरूम भी आपका स्पेशियस रहने वाला है, खैर तीनों ही बेडरूम आपके स्पेशियस रहने वाले हैं, तीनों ही बेडरूम आपको अलग अलग फोर सीलिंग के डिजाइन के साथ मिल रहे हैं। तो ये आपका बेड का स्पेस रहेगा, राइट हैंड साइड पर आपको देखिए ब्लैक ग्लास के साथ स्लाइडिंग वाली वार्डरोब यहाँ पर आपको मिलने वाली है, और देखिए इस वार्डरोब में आपको अंदर प्रोफाइल लाइट काम भी करके दिया जा रहा है, स्पेस काफी अच्छे से मिल जाएगा। इधर आपको शाफ्ट मिलेगी, यानी कि थर्ड बेडरूम भी आपका प्रॉपर वेंटिलेटेड रहेगा। अगर फ्रंट में देखेंगे तो फ्रंट में आपको टीवी पैनल मिल जाएगा यहाँ पर, और उसी के साथ यहाँ पर आपको एक टेबल स्टडी टेबल मान लीजिए इसे आप, स्टडी टेबल भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो ये टेबल आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं, बैठिए कुछ भी काम कर सकते हैं। ऊपर जो आपको ये ओपन शेल्फ मिल रहे हैं आप इन्हें बुक शेल्फ भी बना सकते हैं, या आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी किसी भी पर्पज से यूज कर सकते हैं। अब जरा आप इस रूम की फोर सीलिंग देखिए जरा एक बार, फैमिलीज आपको ये थर्ड बेडरूम भी पसंद आया हो। तो मैंने आपको ये पूरा फ्लैट दिखाया है, 3 BHK 80 गज में आपको फ्लैट मिलने वाला है, स्पेशियस फ्लैट रहने वाला है। लुक तो आई होप आपको समझ ही आ गया होगा, इसका स्ट्रक्चर ही बहुत अच्छा है क्योंकि एंट्रेंस के साथ आपको लिविंग एरिया मिलेगा, लिविंग एरिया आपको एक मंदिर मिलेगा, इसी से अटैच आपको फर्स्ट बेडरूम, फिर आपको यहाँ पर किचन और दोनों बेडरूम अगल बगल कॉमन वॉशरूम, यानी कि दो वॉशरूम आपको मिल रहे हैं यहाँ पर, लिविंग एरिया स्पेशियस मिल रहा है, लाइटिंग इतनी अच्छी है, लुक इतना अमेजिंग आपको मिल रहा है। द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन से आपको सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर दूरी पर ही मिलने वाला है, तो काफ़ी अच्छे स्पेस के साथ मिल रहा है, लोकेशन आपकी काफ़ी प्यारी है, 80-90% यहाँ पर आपका लोन हो जाएगा। अगर फ्लैट अगर आपको पसंद आया है ना तो विजिट करके ज़रूर आना, मेरी माने तो एक बार विजिट ज़रूर कीजिए, कि लेना ना लेना वो बात की बात होती है, लेकिन पसंद आना मोर इम्पॉर्टेंट, कि आपको सबसे पहले पसंद आना चाहिए। तो आप एक बार विजिट करने ज़रूर आइए, अगर आपको फ्लैट पसंद आए तो लोन अवेलेबल है, 80-90% होम्स फॉर सेल आपको लोन देगा, फ्लैट बहुत अच्छा है, आना ज़रूर, नीचे क्वांटिटीज दी गई है। मैं गीतांजलि आपको फिर मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।